ने मैंने देखा डिजिटल वो 3D सिस्टम से कि ऐसे लग रहा है कि हम चारों धाम के बीच हैं। इस संस्कृति को सामने ला करके ये जरूर बताया कि जो अच्छे काम समाज में करते हैं उसको भी डाक विभाग याद करती है। अपने सेवा के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी परोसने का काम करती है, तो ये बहुत ही अद्भुत है। स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी जी और सभी महापुरुषों के यादगारी को भी ताजा करने का काम डाक टिकट विभाग करती है, ये अद्भुत है, सचमुच बहुत ही अद्भुत है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से फिलैटली डाक टिकट संग्रहण को पटना में प्रदर्शित किया गया और अभी मैंने देखा कि 1700 ईस्वी के आसपास जो पहला डाक टिकट जारी हुआ और उस समय से लेके आज तक राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना, और जब हम डाक टिकट को देखते हैं उस संकलन को देखते हैं तो जो हमारे विरासत हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे देश के लिए समाज के लिए जिनका महत्व है, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी जी और सभी महापुरुषों के यादगारी को भी ताजा करने का काम डाक टिकट विभाग करती है, ये अद्भुत है, सचमुच बहुत ही अद्भुत है। और मैं इसके लिए डाक विभाग को और विशेष करके श्री अनिल कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पटना के लोगों के बीच इस संस्कृति को सामने ला करके ये जरूर बताया कि जो अच्छे काम समाज में करते हैं उसको भी डाक विभाग याद करती है, अपने सेवा के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी परोसने का काम करती है, तो ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। डिजिटल दौर की चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं, क्या अभी पता चला? नहीं, मैंने देखा डिजिटल वो 3D सिस्टम से, डिजिटल दौर से, और इससे लोगों को एकदम ऐसा अनुभूति का प्राप्त होता है 3D से सिस्टम से कि ऐसे लग रहा है कि हम चारों धाम के बीच हैं, या एकदम लगता है फिजिकली प्रेजेंस है जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उस शहर में जा करके उस चीज़ का हम अपने आप को अवलोकन कर रहे हैं।